आप जो है अपनी संकीर्ण जातवादता को छोड़ दीजिए, संकीर्ण सांप्रदायिकता को सोच छोड़ दीजिए, संकीर्ण धार्मिक कट्टरता को, आतंकवादी जो है उसको छोड़ दीजिए, और संकीर्ण राजनीतिक लाभ को छोड़ दीजिए। मैं तो उनसे ये भी नहीं कह रहा हूं, मैं एक बहुत छोटी सी बात कह रहा हूं। अच्छा, मैं उनसे ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप राष्ट्रीय बनिए, मैं उनसे सिंपल बहुत छोटी सी बात कह रहा हूं कि क्या आप स्वार्थी बन सकते हो? क्योंकि मेरी विडंबना ये है कि ना तो हम अपना स्वार्थ देख पा रहे हैं और ना ही हम स्वार्थी बन पा रहे हैं। इतना जो हमने विवेचन किया, मैं चाहता हूं कि इस पर थोड़ी सी चर्चा हम करें। जो हमने ये एक परिदृश्य और एक बैकग्राउंड हमने आपके सामने रखा है, इस बैकग्राउंड से आप कहां तक सहमत हैं? बताइए ना सर, मुझे एक एक चीज बताइए फिर जो है। मेरा ये कहना है कि आज हम जो है चारों तरफ जो है बटे हुए हैं, और राजनीतिक स्वार्थों ने, राजनीतिक पार्टियों ने और इन राजनेताओं ने हमें जातियों में, संप्रदायों में, धर्म में और राजनीतिक लॉयल्टी में जो है ना बांटकर हमें स्वतंत्रता से वंचित रखा है। तो हम एक बात बहुत बार बार कह रहे हैं आजकल कि हमें स्वतंत्रता नहीं मिली है, क्योंकि स्वतंत्रता का मतलब है वो अवस्था जब हम अपना तंत्र स्थापित कर दें। तो स्वाधीनता हमको मिल सकती है, हमको जो है सत्ता परिवर्तन मिल सकता है, लेकिन स्वाधीनता भी मिल सकती है कि हम किसी के अधीन नहीं है, अपने अधीन हैं, लेकिन हम स्वतंत्र नहीं हैं क्योंकि हमने अपना तंत्र स्थापित नहीं किया है। ये दुर्भाग्य का विषय है कि आज भी हम अंग्रेजों के गुलामों के नियम कानून और उन्हीं की व्यवस्था में बंधे हुए हैं, जो अंग्रेजों ने हमारे लाभ के लिए नहीं बनाई थी। उन्होंने भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए और घटिया प्रक्रिया में उलझाकर न्याय से वंचित रखने के लिए बनाई है। देखिए, हम और आप पुलिस ऑफिसर हैं, आप याद करिए, हम लोग 116 में सिर्फ इसलिए जो है ना पेशी लगवाते रहते थे कि सामने वाला जो है वो टाइट बना रहे। तो हमें लोगों को टाइट रखना, उनको ऊपर परेशान करना और उनको एक कॉर्नर में स्थापित करना, ये इस प्रक्रिया का हिस्सा है। अभी जो नए 3 कानून जो है बने हैं, मेरा ऐसा मानना है कि वह जो है अपने तंत्र नहीं है, अभी भी कानूनों की, नियम कानून की आत्मा नहीं बदली है। संगे, असंगे और सिविल ऑफेंस का अंतर समाप्त नहीं किया गया है। आज भी नियम कानून में जो प्रावधान है उनका पालन भी नहीं हो रहा है। देखिए राजन, मैं एक बहुत छोटी सी बात कह रहा हूं, पुराने आईपीसी के सेक्शन 100 और 103, एक आत्मरक्षा में, सेल्फ डिफेंस में और दूसरा संपत्ति के रक्षा में, सामने वाले की स्वेच्छा से मौत कारित करने का, वॉलंटरली कॉजिंग डेथ का हमें हक था। फिर पुलिस जो है, जब हमारे ऊपर कोई आक्रमण कर रहा है और जब हम काउंटर अटैक करते हैं उसमें उसकी डेथ हो जाती है, तो पुलिस तो हमें लाभ नहीं देती है, पुलिस तो हमारे क्लास केस रजिस्टर करती है, हमें बंद कर देती है। तो क्या जो नियम, घटिया नियम कानून जो अंग्रेजों ने स्थापित किया था, हम तो इतने घटिया तंत्र हैं कि उसका लाभ भी अपनी जनता को नहीं दे रहे हैं? अब सवाल उठता है कि हम लोग विवेचन करते रहेंगे या इसमें बदलाव संभव है? हर चीज में बदलाव संभव है सर, परंतु बदलाव का जो रिक्वायरमेंट है, एक मिनट वो ना, अभी 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 अपन ने एक बात मान ली कि बदलाव संभव है, नाउ अब दूसरी बात करते हैं, ये बदलाव कौन ला सकता है? क्या आज के राजनेता, क्या आज के राजनीतिक पार्टियां वर्तमान परिदृश्य में यह बदलाव लाने की क्षमता रखती हैं? बिल्कुल सर, मेरा मानना है कि वर्तमान परिदृश्य में
इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, इनमें से कोई भी मूल परिवर्तन की हिम्मत इच्छा शक्ति नहीं रखती हैं, और इनके माध्यम से हमें कोई महापरिवर्तन कभी नहीं मिल पाएगा। उसका बहुत बड़ा कारण है क्योंकि इनके बेस में जो है वो प्रजातंत्र नहीं है, इनके बेस में स्वार्थ है और इन्होंने प्रजातंत्र का गला घोटा है। आज आप ये बताइए, जिनको आप वोट देते हैं वो किस आधार पर चयनित होते हैं? वो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, अन्य कंसिडरेशन के आधार पर, और बिना इस बात का ध्यान रखे राधर, यदि वो अपराधी है और बड़ा अपराधी है, यदि वो बाहुबली है तो ये उसके फेवर में जाता है। तो जाति, धर्म और अन्य संकीर्ण क्राइटेरिया जो कि मेरिट से हटकर हैं, और यदि वो करेला और नीम चढ़ा हो, यदि वो बाहुबली भी हो और अपराधी भी हो, तो उसके फेवर में ये बात जाती है। फिर जो हम अपनी बात करते हैं कि हम में से अधिकांश लोग जो वोट दे रहे हैं वो वोट किस आधार पर दे रहे हैं? मेरा ऐसा मानना है कि हम में से जो बहुत सारे विद्वान हैं वो वोट देने नहीं जाते हैं, और जो जन सामान्य है वो अन्य कंसिडरेशन में बट गया है, जाति के कंसिडरेशन में, धर्म के कंसिडरेशन में, दारू के कंसिडरेशन में, पैसे के कंसिडरेशन में, साड़ी के कंसिडरेशन में, छोटे मोटे फ्रीवी और लाभ के कंसिडरेशन में वो वोट दे रहा है। और हमारे राजनेता जो हमारे वोट से जीत रहे हैं, दुर्भाग्य का विषय है कि वो हमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी के मजबूर प्राणी हैं और पॉलिटिकल भिप से बंधे हुए हैं। वो हमारे हितों के लिए लड़ना तो दूर है, वो हमारे हित में एक वाक्य बोलने की भी हिम्मत नहीं रखते हैं। वो अपने हाई कमांड से बेहद ही डरे हुए प्राणी हैं। ये मैंने जो चित्र प्रस्तुत किया है, राजेंद्र कुमार मिश्रा जी, आप किस हद तक इस बात से सहमत हैं? मैं बिल्कुल आपके बात से सहमत हूँ सर। अगर मुझे इसमें क्या है सर, जो एनालिसिस आप करेंगे आपकी जिंदगी की निचोड़ है, जो आपने देखा है, समझा है और झेला है जी, उसकी निचोड़ है जो आप बोल रहे हैं। क्योंकि ये कोई किताबें पढ़ के और कोई टेक्स्ट बुक देख करके हम नहीं बोल रहे, वो दोनों किताबों के नॉलेज भी सब मिले थे, आपके एक्सपीरियंस भी सब मिले थे, और जरूर आप पे जो कोई इच्छा है, कोई परिवर्तन की इच्छा है, परिवर्तन जरूरी है जैसे, और वो परंतु एक निरंतर चीज प्रक्रिया है, परिवर्तन कंटिन्यूअस प्रोसेस। व्हाट इज टू बी डन दैट Now I am coming to that. You have really poked the in the right direction कि अब राजनेता हमें दे नहीं सकते हैं, जाति के नेता हमें दे नहीं सकते हैं, धर्म के नेता दे नहीं सकते हैं, संप्रदाय के नेता दे नहीं सकते हैं, संकीर्ण राजनीति के नेता दे नहीं सकते हैं, तो ये महाबदलाव कहाँ से आएगा? मुझे लगता है कि ये महाबदलाव सामान्य आदमी के जागरण से पैदा होना चाहिए। और जागरण क्या है? यदि आज हम उससे कहेंगे कि भैया जाति से ऊपर उठो, तो आपकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। यदि आप उसे कहेंगे कि सांप्रदायिक जो आपकी सोच है इससे ऊपर उठो, तो भी कोई आपकी बात सुनने वाला नहीं है। और आजकल जो धार्मिक स्थिति बन गई है, मैं उसे ये नहीं कहूँगा कि जो धार्मिक कट्टरता बढ़ रही है उसके उचित आधार नहीं है, उसके बहुत उचित आधार हैं, लेकिन ये धार्मिक नेता भी अपने लाभ की रोटियां कमा रहे हैं। इन्होंने अपने अपने मठ बना लिए हैं, आश्रम बना लिए हैं, करोड़ों रुपए इनके पास पहुंच रहा है, लिहाजा उस लाभ से ऊपर उठने की इनकी क्षमता नहीं है। लिहाजा मेरा ये मानना है कि जो 21 लक्ष्य हैं, महालक्ष्य हैं, जिससे ये भारत बदल जाएगा, जिसमें 5 फंडामेंटल राइट भी आम आदमी को मिल जाएंगे, जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, मतलब हर व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट होगा, चाहे उसके पास शिक्षा या हुनर क्यों ना हो, और उसको शिक्षा और हुनर, प्रायोगिक शिक्षा और प्रायोगिक हुनर दिया जाएगा,
और उस प्रायोगिक शिक्षा और प्रायोगिक हुनर के बाद उसे टूल्स दिए जाएंगे, एडवांस टूल्स दिए जाएंगे, उसका उसे उसमें अभ्यास कराया जाएगा और फिर टीम में बनाकर राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगाया जाएगा। लिहाजा फंडामेंटल राइट टू एम्प्लॉयमेंट के लिए जिन लोगों को हम तैयार करेंगे वो किसी के पास नौकरी मांगने नहीं जाएंगे, और जो राष्ट्रीय संपदा है वो राष्ट्रीय संपदा उसे कहेंगे जो जो विच इज हैविंग द इट इज काइंड ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसके जिससे जो एसेट क्रिएट होगी वो अपने सेल्फ मेंटेनेंस के लिए और अपनी ग्रोथ के लिए रेवेन्यू खुद जनरेट कर पाएगी। लिहाजा जितने ही हम राष्ट्रीय संपदा निर्माण करेंगे एक आयोग के माध्यम से उसका आकलन पहले से होगा, उतनी भारत विकास निधि, डिजिटल भारत विकास निधि ऑटो जनरेट होगी। क्योंकि यदि हम ये ऑटो डिजिटल मनी यदि हम जनरेट नहीं करते हैं तो हमें पुराने बार्टर सिस्टम पर जाना पड़ेगा, तो हम बार्टर सिस्टम में नहीं जाना चाहते, वी डू नॉट वॉन्ट टू गो देयर। तो उसी के इक्विवेलेंट हमने एक जो संपदा निर्मित की है उसको एक वैल्यू असाइन कर दी और वैल्यू को डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट कर दिया, और उसको हम रुपए से भिन्न रखना चाहते हैं, उसे हम भारत विकास निधि करेंगे, और एक भारत विकास निधि 1.1 रुपए के बराबर होगी। तो हमें राष्ट्रीय संपदा के निर्माण के लिए और अपने नागरिकों को रोजगार का मौलिक अधिकार देने के लिए धन की आवश्यकता नहीं होगी, तो भारत सरकार के ऊपर एक पैसे का खर्च नहीं आएगा और हम अपने लोगों को 5 फंडामेंटल राइट दे पाएंगे। फंडामेंटल राइट टू रोजगार, फंडामेंटल राइट टू हेल्थ जिसमें हर किसी का एनुअल मेडिकल चेकअप होगा, जिसमें हर किसी के लिए प्राणायाम योगा की व्यवस्था होगी, हर किसी के लिए एक जिम टाइप की व्यवस्था होगी, तो जो प्राणायाम योगा में नहीं जाना चाहते वो जिम करेंगे तो जिमिंग की व्यवस्था भी होगी, और उनके भोजन के लिए जो आज हमारा भोजन विषाक्त हो गया है, केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड और प्रिजर्वेटिव्स और कॉस्मेटिक्स में जो हम केमिकल्स दे रहे हैं और जो हम अपने संडास में केमिकल्स का यूज कर रहे हैं, कपड़ों के धोने में जो केमिकल का यूज कर रहे हैं, और मैं तो कहूँगा कि हम जो दवाइयों के में भी जो केमिकल का यूज कर रहे हैं, केमिकल मॉलिक्यूल का यूज कर रहे हैं, इन सब से मुक्त करते हुए हर भारतीय को फंडामेंटल राइट टू फूड मिलेगा, और ये फंडामेंटल राइट टू फूड बड़ा अलवेला होगा। इसमें जो है आपको अन्न के साथ साथ दूध दही घी शहद और जीवन वर्धक औषधियाँ मिलेंगी, और उस व्यक्ति को भी मिलेंगी जिसके जीव जिसके पास खीसे में पैसे नहीं है, जिसके पिताजी के खीसे में पैसे नहीं हैं, और किसी को एक भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलेगी, वो उसके कॉस्ट सेटलिंग डेबिट अकाउंट पर हम लोड करेंगे, और सिस्टम उनको जो है ना ट्रेन करके उनमें ये सामर्थ्य पैदा करेगा कि जितनी उसकी लायबिलिटी है उससे ज़्यादा जो है वो पैदा कर सके, ये सिस्टम की जिम्मेवारी होगी। इस प्रकार हम जो है फंडामेंटल राइट टू फूड के साथ साथ फिर हम उसे फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन दे पाएंगे, और भारत का सबसे गरीब व्यक्ति जिसके पिता के पास भी पैसे नहीं हैं अपनी काबिलियत के आधार पर वही शिक्षा पा पाएगा जो धनी से धनी व्यक्ति पा सकता है, लेकिन उसको कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं दी जाएगी, जैसा हमने पहले कहा है उसके डेबिट अकाउंट पर माउंट की जाएगी, और उसे अध्ययन काल में ही इतना समर्थ बना दिया जाएगा कि वह जो है उसके जो डेबिट अकाउंट पर लोडिंग हो रही है उसे वो रीपे कर पाएगा। इस प्रकार हम एक समर्थ भारत पैदा कर पाएंगे। अभी जो प्राइवेसी है वो हमारे लिए संकट बन रही है, आपकी प्राइवेसी हमारे जीवन का संकट क्यों होना चाहिए? राजेंद्र भाई राजेंद्र कुमार से निंजुआ प्राइवेसी, और आई विल नॉट से प्राइवेसी, आई विल से एनोनिमिटी। व्हाई यू शुड मूव इन ए कंसील्ड फॉर्मेट ऑन द रोड
थ्रेटनिंग माई जो है सिक्योरिटी, तो हमने इसके लिए कहा है कि हम आपको एक पांचवा फंडामेंटल राइट देंगे, फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी, बट एट द सेम टाइम देयर विल बी ए लॉ सर्टेनिटी ऑफ आइडेंटिटी, मतलब हर चीज जो है कैप्चर होगी, हर चीज जो है ना डाटाबेस में जाएगी, और उस डाटाबेस को जो है हम एक अथॉरिटी कहेंगे, उसका एक चेयरमैन होगा, वो किस उनमें से जो भी चीज़ कंपाइल हो रही है वो ना तो खुद के लाभ के लिए, ना किसी नेता के लाभ के लिए, ना किसी देश के लाभ के लिए उसे यूज कर पाएगा, केवल एक ही परिस्थिति में उसे यूज किया जाएगा, जब आपके बिहेवियर डिरेलिक्शन जो है वो क्राइम की कैटेगरी में जाएगा, तो ये फंडामेंटल राइट आपका टेम्परली सस्पेंड हो जाएगा, और सिस्टम आपकी FIR कर देगा, सिस्टम आपके विरुद्ध इविडेंस दे देगा, सिस्टम जो है अधिकतम 30 दिन में बिना कोर्ट जाए ट्रायल सुनिश्चित करते हुए आपको न्याय देगा, जजमेंट नहीं देगा, जिसमें न्याय देने वाले जज की भी अकाउंटेबिलिटी होगी। वो जज जो है उसमें दो तरह की अपील का प्रावधान होगा, एक अपील अगेंस्ट द जज और एक अपील अगेंस्ट द जजमेंट। तो जब सामने वाले को लगता है कि जजमेंट में कोई न्यायिक भूल हो गई है तो अपील अगेंस्ट जजमेंट होगा, लेकिन यदि सामने वाले को लगता है कि पर्याप्त इविडेंस हैं और जज उसे नज़रअंदाज करके गलत निर्णय दे रहा है तो दिस अपील विल बी कॉल्ड अपील अगेंस्ट द जज, और जिस जज ने निर्णय दिया है वो बचाव के कटघरे में खड़े होकर अपने जजमेंट को उसे डिफेंड करना होगा, और यदि वो जूरी के सामने अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाता है तो वो डीपैनल हो जाएगा, उसे आर्थिक हर्जाना देना होगा। तो आप बताइए कितना प्यारा सिस्टम जो आपको जो है अपराध मुक्त भारत दे रहा है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत दे रहा है, और भारत सरकार के पास इतनी रेवेन्यू स्ट्रीम भेज रहा है कि भारत आज जो टैक्सेस और अन्य कारण साधनों से जितना कमा पा रहा है इसका 20 गुना ज़्यादा पैसा भारत सरकार के पास होगा। तो फिर मैथिली शरण गुप्त भारत सरकार से कह रहे हैं कि भाई साहब, जब हम आपको 5 साल में 20 गुना ज़्यादा पैसा आपके पास पहुंचा रहे हैं तो फिर अपने भारतवासियों से टैक्स क्यों लेना है। तो मैथिली शरण गुप्त दूसरी चीज़ कह रहे हैं कि हम आपको 5 साल में टैक्स मुक्त भारत देंगे। अब इसमें एक और हम कह रहे हैं, हम अकेला टैक्स मुक्त पर नहीं रोक रहे हैं, हम कह रहे हैं हम आपको कर्ज मुक्त भारत भी देंगे। तो आपके खीसे में पैसा हो या ना हो, यदि आपको कोई पेमेंट करना है, कोई आपके पास फाइनेंशियल लाइबिलिटी आ गई है, तो आप ट्रांजेक्शन भी डिजिटली शेड्यूल कर पाएंगे, आप चेक भी दे पाएंगे, और वो चेक ऑनर होगी, और वो चेक तब भी ऑनर होगी जब आपके खीसे में पैसे नहीं है, आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं, कॉस्ट सेटलिंग डेबिट अकाउंट से उतना पैसा क्लियर हो जाएगा, और जब आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा आएगा तो वो ऑटो सेटल हो जाएगा। अब यदि मान लो, एक मिनट के लिए यदि हम ये मान लें कि हम जो है, हाँ हेलो, हेलो,